गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत परफेक्ट हो गए। गाइस, आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज लेके आया हूँ। आज मैं अपने बुजुर्गों के लिए एक्सरसाइज लेके आया हूँ, जो लोग खाली वॉक करते हैं बट ज्यादा टफ एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, उनको मैं ऐसी एक्सरसाइजेस पिक करके लाया हूँ जो वो बैठ के भी कर सकते हैं। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए। गाइस, लाइक जरूर कर दीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज मैं कुछ कलेक्शन ऑफ एक्सरसाइजेस जो मैं आपसे शेयर करूंगा उसको मैं परफॉर्म करके दिखाऊंगा कि इसको कैसे आप बैठ के करना है, जो हमारे बुजुर्ग हैं वो इसका बेनिफिट ले सकते हैं। गाइस, मैं एक चीज और आपसे कहूंगा, अपने बड़े बुजुर्ग से भी कहूंगा कि आप लोग अगर नहीं करते हैं एक्सरसाइज तो करना स्टार्ट करिए, क्योंकि आप नॉर्मल देखते हैं सुबह उठते हैं बैठते हैं एक्सरसाइज नहीं करते, इससे कुछ भी नहीं होगा। आप थोड़ा सा अपने अंदर एक एनर्जी जगाइए, थोड़ा फ्रेश एयर अगर आपके पास में पार्क हो आसपास तो वहां पे आइए, घर की टेरेस पे आइए, टेरेस गार्डन होगा या बालकनी होगी उसमें आप एक्सरसाइजेस को परफॉर्म कर सकते हैं अगर आपके पास चेयर है तो भी। तो चलिए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। चलिए आप लोगों को ले चलता हूं बेंच पे, इससे मैं ये दिखाऊंगा आपको कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, इसमें हम नॉर्मली देखिए बैठ गए, आपके घर में चेयर होगी आप उस पर बैठ सकते हैं, सोफा होगा आप उस पर बैठ सकते हैं। अब इसमें सबसे पहला आपको ब्रीदिंग का करना है, सांस लेना है छोड़ना है जस्ट लाइक दिस। इस चीज को आप धीरे धीरे सांस भरिए और सांस छोड़िए, ऐसे यहां से गर्दन लीजिए नीचे करिए उसके बाद सांस भरिए, फील करिए कि आप कोई नई चीज कर रहे हैं। जैसे आप कोई भी नया कपड़ा पहनते होंगे, नई डिश खाते होंगे तो उसको फील करते होंगे, आपको लगता होगा यार आज मैंने बहुत अच्छा किया, तो इसी चीज को फील करिए। उसके बाद में आप इसी को सांस भरते हुए सांस छोड़ते हुए गर्दन को रोटेट कर सकते हैं 3 times 5 times। एक चीज ये कहूंगा कि इसको बहुत स्लो करिएगा, ज्यादा फास्ट मत करिएगा। इसी को आप एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। सांस का खास ध्यान रखना है, ब्रीदिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एवरी एक्सरसाइज, जैसा कि मैं कहता आया हूं इस चीज को जरूर गौर करिएगा। तो बढ़ते हैं अपनी दूसरी एक्सरसाइज की तरफ, इसमें हमें ध्यान रखना है कि जो हमारे शोल्डर है, ये मैं शोल्डर की आपको एक्सरसाइज बता रहा हूं। इसमें आप यहां हाथ रखिए, सांस छोड़ते हुए यहां एल्बो टच करिए, उसके सांस लेते हुए इसको पीछे ले जाइए। एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको जल्दी 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 नहीं करनी है, बहुत आराम से करना है, कहीं भागना नहीं है, बहुत आराम से करना है। फील करके कोई भी एक्सरसाइज करिए, पहले क्लॉकवाइज सांस भरते हुए, फिर उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज इसी चीज को। ये हो गई आपकी दूसरी। अब इसमें मैं आपको एक ही चीज कहूंगा कि रेपिटेशन ज्यादा के चक्कर में मत पड़िएगा, आप 2, 3, 4 जितना भी आपकी कैपेसिटी हो आप उससे भी इसको परफॉर्म कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं तीसरी एक्सरसाइज की तरफ, हमारे हाथ बहुत ज्यादा जरूरी है, पकड़ लूज होने लगती है, ग्लास छूट जाता है, तो उसको कैसे मजबूत करें? आपको सामने हाथ रखना है, ये जो आपकी एल्बो है वो मुड़ी नहीं रहेगी, एकदम स्ट्रेट जस्ट लाइक दिस। आपको हाथ सीधा रखना है और मुट्ठी बंद करके अंगूठा अंदर रख के इस तरह से आपको करना है, फील करिए कि आपकी बॉडी में खिंचाव हो रहा है जस्ट लाइक दिस। इसी चीज को आप एक बार अंगूठा अंदर एक बार अंगूठा बाहर, उसके बाद में इसी चीज को आप दोनों हाथ को ऐसे ज्वाइन कर लीजिए और इसको गोल गोल घुमाइए, बहुत परफेक्ट है। इसी चीज को आप दोबारा कर सकते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इसमें एल्बो जो आपकी है वो खास मैं क्यों कह रहा हूं स्ट्रेट रहे, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, इसका जो ये ब्लड सर्कुलेशन में आपके बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो ये जो एक्सरसाइज है इसमें आपका जो आर्म्स है और जो पूरी बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन आपके हैंड्स में उसका बहुत अच्छा खिंचाव होगा। तो बढ़ते हैं अपनी चौथी एक्सरसाइज की तरफ, तो बढ़ते हैं अपनी फोर्थ एक्सरसाइज की तरफ। अब आपने देखा होगा मैंने एक्सरसाइज बताई थी फ्री स्क्वाट,
जैसे ये है हाथ आपका और इसको इस तरह से मैंने बताया था, ये हमारे बड़े बुजुर्ग तो नहीं कर पाएंगे। इसके लिए मैं आपको एक अच्छा तरीका बता रहा हूँ। आपके पास एज यूजुअल आपकी चेयर होगी, अगर आप फ्री हैंड ऐसे नहीं बैठ पाते हैं तो सामने दीवार होगी। सपोज दैट कि मेरे सामने दीवार है और मैं इसको पकड़ के डाउन हो रहा हूँ जस्ट लाइक दिस, यहाँ बैठ गए, रिलैक्स एंड अप। अब इसमें सांस कैसे लेनी है, सांस छोड़ना है फिर सांस लेना है, ये तो हो गया सांस का। अब इसके बेनिफिट क्या है, इसमें जो आपके ज्वाइंट्स हैं, देखा होगा जो हमारे मम्मियां होती हैं या ग्रैंड मदर्स होती हैं उनको घुटनों की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, जीना नहीं चढ़ पाती हैं, तो उसके लिए भी हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए भी ये एक्सरसाइज बहुत ज्यादा कारगर है। इसमें क्या है, आप जब अप एंड डाउन इस तरह से बैठ रहे हैं तो ये जो आपके घुटने हैं इस पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा है, ऑयलिंग टाइप में होती है क्योंकि जो हमारी स्केटल मसल होती है वो सूखने लगती है, तो इससे दोबारा ये रिफाइंड होने लगती है। तो बढ़ते हैं अपनी लास्ट एंड फिफ्थ एक्सरसाइज की तरफ। तो जो हमारी फिफ्थ लास्ट एक्सरसाइज है वो अब मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें आप नॉर्मल खड़े हो जाइए, आप चाहिए तो दीवार का सपोर्ट ले सकते हैं, लेकिन इसमें दीवार का सपोर्ट नहीं लेना, लेकिन आप अपने बैक में या पास में कोई ऐसी चीज ना रखें जिससे मान लीजिए अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप उस पर लड़े ना। तो इसके लिए आपको करना क्या है, नॉर्मल खड़े हैं आप, पैरों को पास लाइए थोड़ा सा, उसके बाद जो घुटने हैं आपके आप इसको पकड़ के आगे की ओर इस तरह से कर सकते हैं। सपोज जैसे समझ लीजिए मेरे सामने ये दीवार है, मैंने इसको ऐसे पकड़ रखा है, इस तरह से करना है, मैं आपको साइड से दिखा रहा हूँ, ये दीवार है मेरे सामने और मैं इस तरह से कर रहा हूँ जस्ट लाइक दिस, इस तरह से करना है, सांस छोड़ना है सांस लेना है, सांस छोड़ना है सांस लेना है। ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, ये जो सारी एक्सरसाइजेस हैं ये जो मैंने आपको बताई हैं ये यकीन मानिए मैं आप लोगों के लिए स्पेशली ढूंढ के लाया हूँ, और इसका सबसे बेनिफिट आप लोगों को आपके जो ज्वाइंट्स हैं ये लॉक हो जाता है, ये नहीं उठता कंधा, हम देखते हैं कई लोगों को जिनका कंधा नहीं उठता इससे ऊपर जाता ही नहीं है, यकीन मानिए ये सब चीजें बहुत फायदेमंद है। इसको हम यंगस्टर से लेके प्रो लेवल के जो एथलीट्स हैं वो भी करते हैं, मैं भी करता हूं, तो इसीलिए मैंने सोचा इसका एक आसान वर्जन अपने बड़े बुजुर्ग के लिए लाया जाए। तो आशा करता हूं आपको ये एक्सरसाइज बहुत पसंद आई होगी और आप करेंगे। तो कैसी लगी एक्सरसाइज आपको, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी लगी होगी। मैं यकीन दिला रहा हूं आपको कि आप लोगों के लिए परफेक्ट एक्सरसाइज है। हमारे खास करके जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो लोग नहीं ज्यादा वॉकिंग कर पाते या उनको जीना चढ़ने उतरने में प्रॉब्लम होती है, स्क्वाट्स लगाने में प्रॉब्लम होती है, उठक बैठक लगाने में प्रॉब्लम होती है, तो वो लोग घर पे भी बैठ के भी सारे वार्म अप कर सकते हैं। मैंने जैसा कि आपको इस वीडियो में शो किया, बस मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज करिए उसको करने से पहले वार्म अप कर लीजिए अपने बॉडी को। जैसे मैंने नॉर्मल जो आपके यंगस्टर्स हैं या प्रो लेवल के हैं उनके लिए मैंने वार्म अप एक्सरसाइज बना रखी है, ऊपर आई कार्ड आ गया होगा, लेकिन जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो तो वो वाली एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो उनके लिए मैंने आज ये एक्सरसाइज लाया हूं। तो इस एक्सरसाइज को मैं इतना जानता हूं कि इसको वार्म अप भी कह सकते हो आप, इसको वार्म अप भी कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, खड़े होकर जस्ट लाइक दिस करते हैं, वो मैंने बैठ के उसमें करके दिखाया, तो उसी चीज को हमारे जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनको बैठ के करना है। तो मैं अपने बड़े बुजुर्गों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस एक्सरसाइज को करना चालू करें, कुछ नहीं से कुछ तो बेटर है, आप कुछ नहीं कर रहे हो नॉर्मल हो लेकिन कुछ तो कर सकते हैं ना, तो ये आप कर भी सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो मैं फिर से यही चीज कहना चाहूंगा कि मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं कोई भी अपना वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास कैसे आएगा, आपको कैसे पता चलेगा, आपको बेल आइकन दबाना होगा, तो उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा। एंड जाते जाते मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहूंगा कि मैंने कलेक्शन ऑफ एक्सरसाइजेस का पूरा सेट ऊपर आई बटन में लिंक दे रहा हूं, उसको जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। इसमें मैंने काफी प्लेलिस्ट डाल रखी है सेवरल एक्सरसाइजेस की, उसको जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो आशा करता हूं मैं आपको सेटिस्फाई कर पाया हूंगा, आप मेरी बातों से सेटिस्फाई होंगे। मिलते हैं ऐसे ही किसी एक्साइटिंग वीडियो में, टिल देन जाने से पहले मैं यही चीज कहूंगा कि मेहनत मेरी है, रहमत उसकी है और प्यार आप सभी का। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, साइनिंग ऑफ शुगर, हैव अ नाइस डे।